पहला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द सर्कल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, प्रूव दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। From points on this, tangents are drawn to hyperbola. एक point है, वहां से अपन ने tangent draw किए, through that locus of midpoint of chord of contact. ये हो जाएगा आपका chord of contact, ठीक? ये point है H comma K. From point on circle tangents are drawn, prove that locus of midpoint of chord of contact is the curve. Prove that locus of midpoint. अच्छा, locus of midpoint h comma k मान लिया midpoint का. तो prove करना है कि अगर point ये वाला point circle पर है, तो इसका जो midpoint का locus आएगा, है ना, वो आएगा ये वाली चीज. तो ऐसा करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन दो तरीकों से लिखते हैं. एक तो t इज इक्वल टू s1 से, अगर ये पॉइंट h कॉमा के है तो t इज इक्वल टू s1 से. दूसरा, अगर ये पॉइंट मान ले सर्कल पर है, दे रखा है a cos थीटा a sin थीटा, इसके क्वाड्रेंट मान ले, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, coc, है ना, coc. तो दो तरीकों से लिखेंगे, t इज इक्वल टू s1 और coc. तो पहले तो t इज इक्वल टू s1 लिखा, हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एच माइनस के वाई माइनस ए स्क्वायर, ये टी इज इक्वल टू एस वन, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ही आएगा. ये आपका लिख दिया अपने, टी इज इक्वल टू एस वन, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ना, इसके रिस्पेक्ट में लिखा, तो कितना आएगा, एक्स ए कॉस थीटा माइनस वाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दोनों लाइनें क्या है, सेम, तो दोनों लाइनें सेम है, तो ऑफ कोर्स ये और ये तो कट ही जाएगा. एक्स का कोफिशिएंट देखते, अच्छा इसमें भी ये कट जाएगा, हाँ, तो x का क्वेश्चन कितना रहा, h अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू k अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन a. यहां से उठाना cos थीटा, यहां से उठाना sin थीटा, ठीक. तो cos थीटा कितना रहा, h अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ठीक है. तो cos थीटा रहा ए एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर. साइन थीटा कितना रहा, ए के अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, वन, ठीक है. ये आ गया आपका आंसर. सेकेंड क्वेश्चन देखो, पॉइंट पॉइंट पी मूव सच दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ pair of tangents from P on parabola touches rectangle to hyperbola, show that locus of P is. Point P moves such that chord of contact of pair of tangents from P
पी पॉइंट ऐसा है, यहां से अपन ने ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, और अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की पी पॉइंट से, प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये ऑरेंज लाइन आ जाएगी आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी बोल रहा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आएंगे, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा टचेस द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टच करेगा। प्रूव करना है लोकस ऑफ पॉइंट, है ना, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का लोकस क्या है, एच कॉमा के, तो अगर पॉइंट का लोकस एच कॉमा के, तो एच कॉमा के हिसाब से ये जो लाइन है वो क्या है आपका, टेंजेंट टू पैराबोला, है ना, टेंजेंट टू पैरा, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला। तो एच कॉमा के हिसाब से अपन ने पैराबोला पर लिखा सीओसी, है ना, सीओसी का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स, तो लिखते हैं कितना आएगा, के वाई इज इक्वल टू टू ए इंटू एक्स प्लस एच, सही है, ये आएगा। और यही लाइन जो है हाइपरबोला को टच कर रही है, तो या तो आप क्या करो, इसी को है ना हाइपरबोला में रख के डी जीरो कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। यहां से y उठा लो, y कितना है 2a into x plus h upon k, है ना, हाइपरबोला में रख दिया और d जीरो कर दिया, आ गया आंसर, है ना। या फिर आप इसको हाइपरबोला के टेंजेंट से कंपेयर कर लो, a से एक बीटेन मान लिया हाइपरबोला पर पॉइंट ऑफ टेंजेंस, ना मान लिया a से एक थीटा और a टेन थीटा, तो हाइपरबोला पर टेंजेंट कितना आएगा, एक्स एक थीटा माइनस वाई टेन थीटा, अच्छा सी है वहां पर, है ना, सी है, सी सेक थीटा सी टेन थीटा इज इक्वल टू सी, दोनों सेम है, तो कितना आएगा टू ए एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए एच, ठीक है, तो कितना आएगा sec theta upon 2a is equal to tan theta upon k is equal to minus c upon 2ah, कर लोगे sec square minus tan square, अपने को बंद करना है, निकाल ही लेते हैं अपना आंसर, तो sec square कितना रहा सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर कितना रहा सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अभी एलसीएम ले लिया तो यहां पर आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को इधर लिया है ना, ये वाले टर्म को राइट लिया है, और किससे डिवाइड कर दिया, फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे ना फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, गॉट इट, है ना, और इसको डिवाइड करेंगे फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो वो कितना आएगा फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करके कितना आएगा फोर ए स्क्वायर, देखना आगे क्या, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला ईच ऑफ विच मेक एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, लिखो क्या निकालना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, मान लिया मिड पॉइंट कितना है एच कॉमा के, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, लाइन कॉर्ड जो है ना जो जिसका मिड पॉइंट एच कॉमा के उसका एंगल कितना है एक्स के साथ 45 डिग्री, देखो लाइन कितना आ जाएगा टी इज इक्वल टू ऐसे, टी कितना आएगा टू एक्स एच माइनस थ्री के वाई माइनस वन, समझ मारा है, ये टी आ जाएगा S1, S1 आएगा 2h स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 1, ये लिख लिया t इज इक्वल टू S1, ईच ऑफ विच, अभी क्या कह रहा है, इस लाइन का एंगल विद x एक्सिस कितना है 45, तो क्या करना है, स्लोप बंद करना है, स्लोप बंद कर दिया नेगेटिव
एक्स का कोफिशियंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशियंट इज इक्वल टू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, ये आपका आंसर। क्वाड का t इज इक्वल टू s1 का एंगल विद x एक्सिस कितना है 45। सिंपल। अगला पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन। टेंजेंट टू हाइपरबोला कट्स एलिप्स दैट PNQ शो दैट लोकस ऑफ मिडपॉइंट ऑफ PQ इज। मैं केवल तरीका बताता हूं क्योंकि बार बार आ रहा है। टेंजेंट टू हाइपरबोला टेंजेंट टू हाइपरबोला कट्स एलिप्स एट PNQ। देखिए क्या एलिप्स का ये ए है और हाइपरबोला के भी ये पॉइंट ए है। ट्रांसफर एक्सिस के एंड्स ए ए जीरो माइनस जीरो शो दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो मान लिया ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एच कॉमा के। ओके, और ये वाला पॉइंट मान लिया पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा है। तो क्या करेंगे एच कॉमा के एलिप्स का लिखेंगे टी इज इक्वल टू एस वन, हाइपरबोला का लिखेंगे थीटा पर टेंजेंट, दोनों सेम है, काम खत्म है ना भाई। दो लाइनें कंपेयर करी, इसमें क्या आएगा आपका सेक आएगा, सेक 10 आएंगे ना। हाँ, तो सेक 10 से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना कर देंगे बस। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं टी दिख गया, ये आपका एलिप्स का टी इज इक्वल टू एस वन। ये एलिप्स का टी इज इक्वल टू एस वन और हाइपरबोला का थीटा पर टेंजेंट एक्स एक थीटा बाय माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इज इक्वल टू वन। कर लोगे अपने एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई और एब्सोल्यूट टर्म क्या है राइट साइड में ये अपॉन वन। सिंपल दिख रहा है, क्लियर पिक्चर। तो हाँ, अभी पांचवें क्वेश्चन पर आओ। मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला फोकल कॉर्ड तो ये ए कॉमा जीरो, मिड पॉइंट मान लिया एच कॉमा के। ठीक, तो अगर मिड पॉइंट के एच कॉमा के तो क्या करें t इज इक्वल टू एस वन लिखे और उसको किससे पास करा दे फोकस से। t इज इक्वल टू एस वन लिखे, लाइन लिखे और लाइन को पास करा दिया ए कॉमा जीरो से। तो t एक्स एच बाय ए स्क्वायर माइनस वाई के बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ये लिखा अपने t इज इक्वल टू एस वन एच कॉमा के लिए और ये लाइन पास कर रही है x की जगह रख दिया ए y की जगह जीरो, x की जगह ए ई। x की जगह ए ई, x की जगह ए ई, x की जगह ए ई y की जगह जीरो। अब h और k की जगह लिख दिया x और y, सही है, ये आएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। हाँ, ये जो हाइपरबोला है ये सिमिलर हाइपरबोला है, ये कैसे प्रूव करेंगे। हाँ भाई, तुम बताओ ये हाइपरबोला जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन है उसके सिमिलर हाइपरबोला है, कैसे प्रूव करेंगे। यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाया
तो आ गया एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एड सब्ट्रैक्ट किया अपन ने दोनों साइड एड किया ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर ठीक ही आएगा तो ये कट जाएगा। देखिए राइट साइड अगर आप ई स्क्वायर बाय फोर से डिवाइड भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जो आपका इसेंशियलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है रेशियो पर रेशियो ऑफ जो इसके नीचे आ रहा है ओरिजिन शिफ्टिंग के बाद ओरिजिन शिफ्टिंग के बाद जो यहां आ रहा है उस पर फर्क पड़ता है उस पर डिपेंड करता है तो रेशियो में तो कट ही जाएगा ना। देख रहे हो आप जो आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला में था बिल्कुल वैसे ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे इसके अंदर है तो इसका इसेंट्रिटी और आपका स्टैंडर्ड जो हाइपरबोला है उसका इसेंट्रिटी क्या है सेम कौन मेरी बात यहां पर जो नंबर है वो तो सेम ही आ रहे हैं ना इसलिए। हाँ सर बेटा वही तो कर रहे हैं लेकिन ये आएगा सेम ना इसी को मैंने ऐसे लिखा है ओरिजिन शिफ्टिंग से ठीक है इसका ई भी कितना आएगा वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट और ओरिजिनल वाले का भी ई क्या है अंडर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैं कह रहा था रेशियो पे डिपेंड करता है तो रेशियो सेम आएगा अगर इधर वन हो तो इधर ई स्क्वायर बाय फोर हो तो क्योंकि ई स्क्वायर बाय फोर से डिवाइड करने पर रेशियो तो कट ही जाएगा ना भाई तो अपन ने प्रूफ कर दिया सिमिलर है ये टेंजेंट नॉर्मल के हाईलाइट्स है हाईलाइट नंबर वन लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इज ऑक्सी सर्कल कर चुके हैं अपन ये प्रूफ कर चुके हैं अपन किसमें एलिप्स में बिल्कुल सेम तरीका सेम चीज काम खत्म प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर पी वन पी टू निकाल चुका हूं मैं किसमें एलिप्स में सेम चीज काम खत्म हाईलाइट नंबर टू पर आ जाओ पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स अप टू 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग फोकस क्या ही कर चुके हैं अपन ऐसा एलिप्स के अंदर अरे कर चुके नहीं कर चुके हैं बिल्कुल हो गया एज इट इज प्रूफ बताया था थर्ड पे आ गए थर्ड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है थर्ड के दो पार्ट है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हाँ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लो कोई रे इनकमिंग है और ऐसा लग रहा है कि वो हाइपरबोला एक इनकमिंग रे है ठीक है और ऐसा लग रहा है तो इनकमिंग रे किधर को जाएगी एक फोकस को जाएगी ठीक है ऐसा लग रहा है वो इस फोकस को जाएगी तो अगर मान लो आपने चमकीला चमकीला इधर कर रखा है जिसे बोलते हैं अपन सिल्वर साइड ठीक है ऐसा कर रखा है तो लाजमी सी बात है वो रे तो रिफ्लेक्ट होगी ना भाई अगर इधर आपने सिल्वर साइड कर रखा है तो यूं रे आई और रे रिफ्लेक्ट होगी जाएगी पर पॉइंट ये है कि भाई वो रे जो है उसकी दिशा जो है वो किसकी तरफ है वन ऑफ द फोकस किसी एक फोकस की तरफ तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो हाइपरबोला का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये कहता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे फोकस से पास होगी गॉट इट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी समझ में आ गया ठीक है अब इसको प्रूव करते हैं ये अपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया सरफेस का नॉर्मल ठीक है सरफेस का नॉर्मल तो बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या प्रूफ करना है इक्वल प्रूफ करना है आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दीजिए या फिर एक ही बात है ये वाला एंगल ध्यान से देख लो और ये वाला एंगल अगर मैं ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दूं तो भी काम हो गया है ना भाई एक बार सोच लो आराम से टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में हमेशा एंगल कितना आएगा 90 आएगा अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ये थीटा है तो काम खत्म क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेगा ना ये यो ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा और यो
और यू, तो ये लाइन और ये लाइन, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये वाला एंगल कितना है 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हाँ ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हो गया ना प्रूफ, ये दोनों कितने हो गए 90 माइनस थीटा। अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, अपन ये प्रूफ कर देंगे ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ। याद आ रहा है एलिप्स में भी ऐसे ही किया था अपने एंगल बाइसेक्टर के लिए, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और अभी आज ही थोड़ी देर पहले निकाला है अपन ने ये नॉर्मल का, ये पॉइंट कितना आया था देखना अभी, हाँ ए ई स्क्वायर, हाँ वो तो ये पॉइंट कितना है ए ई स्क्वायर कॉस थीटा है, सेक थीटा तो इधर वाला था, सेक थीटा इधर वाला था, कॉस आ रहा है ए कॉस थीटा आ रहा है, तो ए कॉस थीटा कॉमा जीरो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये कैसे निकालेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि फोकस का माइनस ये है ना, और ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये वाला और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कितना हो जाएगा ई टाइम्स लाइन से डिस्टेंस, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस क्या होगा ई टाइम्स लाइन से डिस्टेंस, ओके कॉरस्पॉन्डिंग फोकस से डिस्टेंस, वो सब निकाल चुके हैं। बस आप बस यहां पर ये लिख लो कि जी देखो प्रूफ करना है पी एफ टू अपॉन पी एफ वन इज इक्वल टू F2G टू जी अपॉन एफ वन जी कर लोगे वो आ जाएगा, जैसे एलिप्स में आया था ना वैसे आ जाएगा, पी एफ टू अपॉन पी एफ वन इज इक्वल टू एफ टू जी अपॉन एफ वन जी इतना लिख दो कर लोगे। आगे ये तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे प्रूफ कर लेंगे। आगे पढ़ो, इट फॉलोज दैट इफ एलिप्स एंड हाइपरबोला हैव द सेम फोकस यानी कॉन्फोकल दे कट एट राइट एंगल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिखो ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स नोट दैट एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन दिस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दिस आर कॉन्फोकल एंड ऑर्थोगोनल। तो कॉन्फोकल प्रूव कर लेते हैं पहले, कॉन्फोकल कैसे प्रूव करें, भाई एलिप्स का फोकस क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है हाइपरबोला का कितना होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फोकस होता है। तो एलिप्स के लिए देखो, एलिप्स के लिए तो ये रहेगा, हाइपरबोला के लिए देखो अंडर रूट ऑफ जो एक्स स्क्वायर के नीचे और जो वाई स्क्वायर के नीचे उनको ऐड कर दो, करो ऐड, देखा ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस जो वाई स्क्वायर के नीचे कितना है के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा सेम आगे, तो यानी कि दोनों का फोकस सेम है। अच्छा अब ये प्रूफ करना है कि वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है, अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला उनका फोकस अगर सेम आता है तो वो ऑर्थोगोनल आएंगे, ये बात प्रूफ करनी है। फोकस तो अपन ने सेम देख लिया, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ लो के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा कॉन्फोकल रहेंगे। अभी ऑर्थोगोनल के लिए क्या करें, चलो मैं एक रिजल्ट बताता हूं तुम्हें, ठीक है ना, जैसे मान लो एक ए वन एक्स स्क्वायर बी वन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, ठीक है, ये दो कर्व है, ठीक है, तो दोनों के ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है वन अपॉन ए वन माइनस वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वन बाय बी वन माइनस वन बाय बी टू, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है, ये अपन ने एप्लीकेशन और डेल्टा में देखा था, है ना। लिखो कंडीशन फॉर कर्व्स टू बी ऑर्थोगोनल,
कंडीशन फॉर कर्व्स टू बी ऑर्थोगोनल दो कर्व्स के ऑर्थोगोनल की कंडीशन। हाँ भाई, इसका इसको डिफ्रेंशिएट किया कितना रहा 2a1x प्लस 2b1y इंटू वाई डैश इज जीरो, तो स्लोप कितना जाएगा -a1x अपॉन b1y। सिमिलरली दूसरी लाइन का स्लोप कितना जाएगा दूसरे कर्व पर टेंजेंट का स्लोप कितना जाएगा a2x b2y। m1 m2 इज -1, ठीक है ये आएगा। और कितना आएगा a1 a2 x square इज इक्वल टू -b1 b2 y square। अपन ने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया x एलिमिनेट करने के लिए और y एलिमिनेट करने के लिए, तो कितना आएगा a1 -a2 x square इज इक्वल टू -b1 -b2 इंटू y square, ठीक है। वन और वन कट जाएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड किया तो कितना आएगा a1 -a2 अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू, ये आएगा b1 -b2 अपॉन b1 b2, दिख गया क्या? 1/a2 -1/a1, 1/b2 -1/b1, एक ही बात है ना, -1 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया है, ये आएगा, इससे आपके टेंजेंट लाइन का स्लोप आएगा, ये आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप पहले कर पर, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप दूसरे कर पर, उनका प्रोडक्ट एक्स और वाई पर कितना आएगा -1 m1 m2 -1। और क्योंकि एक्स को वाई इस कर पर लाई कर रहे हैं, तो अपने को इससे और इससे रिलेशन निकालना है ना, कोफिशियंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो एक तो m1 m2 -1 कर दिया, दूसरा ये दोनों पॉइंट, ये दो रिलेशन और है अपने पास, तो 1, 2, 3 इन तीन से अपने को एक्स और वाई एलिमिनेट करना है और जो कोफिशियंट है उनके बीच में रिलेशन निकालना, निकाल लिया अपने, ठीक। ये आ गया आपका रिलेशन। अब दोबारा देखो इसको, हाँ भी पहचानो a1 कितना है 1/a2, b1 कितना है 1/b2, a2 कितना है 1/a2 -k2, b2 को देखो प्लस साइन, देखो प्लस साइन, तो वहां पर प्लस करने के लिए ऐसा किया हाइपरबोला को, x^(a^2 - k^2 प्लस y^(b^2 - k^2, समझ में आ रही बात, ठीक है ना, ऐसा किया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो वैल्यू पुट डालो क्योंकि ये जनरल बात है, ये बात जनरल बात है ना, तो 1/a1 - a2, तो पहले वाले के लिए एलिप्स के लिए क्या बनेगा 1/a1 कितना है 1/a2, तो ये बनेगा लेफ्ट साइड में a^2 - b^2 है ना ये चीज, और 1/b1 - 1/b2 है ना। तो यहां से देख लेते कितना आएगा, b1 कितना आएगा हाइपरबोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/a1 - 1/b1 इज इक्वल टू 1/a2 - 1/b2, एक ही बात है, ये भी सेम है, इसी के पहले वाले कर्व के एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और पहले वाले कर्व के जो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है ऐसे लिखा है 1/a1 - 1/b1 इज इक्वल टू 1/a2 - कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं है, चाहे तो इसका इसका लिखो चाहे इसका इसका लिखो, आना तो वही है, लेकिन मैं क्या हाइपर वो एलिप्स का लिख चुका था पहले, एलिप्स का था ना, एलिप्स का मैं ही लिख चुका था है ना, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का ऑप्शन, हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का, तो कितना आएगा दिस माइनस दिस, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर सेम दिख गया हमेशा हर एक के लिए, दिस माइनस दिस यही दिख गया, हेंस प्रूव्ड। इन दोनों कर्व्स का कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी कैन बी रिटन एज दिस एंड इट कैन बी रिटन एज दिस एज वेल, दोनों बातें सेम है, ठीक है। बस वो क्या है, इसमें इसके x^2 आ रहे हैं, इसमें क्या है इसका x^2 इसका y^2, राइट साइड इसका x^2 इसका y^2।
आईआईटी में भी कुछ टाइम पहले आया था, पैराबोला और एलिप्स जो है वो ऑर्थोगोनल है। तो ठीक है, इस तरह से आएगा यहां पर ऑर्थोगोनल। तो बहुत लेंदी नहीं है, बहुत लेंदी नहीं है। आप डिफ्रेंशिएट करो और एम वन एम टू क्या कर दो, माइनस वन। ठीक है, बहुत लेंदी नहीं है, एम वन एम टू माइनस वन से भी जल्दी आ जाता है।